बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। तो जी बड़ी ईद आने वाली है और ईद की शॉपिंग करनी है, तो आज हम आ गए हैं कमर्शियल मार्केट में। और आज जो है मैंने कहा कि बच्चों की देखती हूँ इस दफ़ा इस मार्केट में क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ नई वैरायटीज़ वगैरह बच्चों के ड्रेसेस की, बड़ों के ड्रेसेस की, सैंडल्स वगैरह आई हैं कि नहीं। और थोड़ी सी ही धूप ढली थी, हम लोग बाहर निकल गए थे शॉपिंग के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर इतना रश, हर टाइम जो है वो रश होता है। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये अलजन्नत मार्केट बिल्कुल सामने वाली रोड है, ठीक है, उस रोड पर मैंने चेक किया है इस दफ़ा कि यहाँ पर क्या चीज़ है ना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था वो उस रोड पे मैंने चेक नहीं किया था। तो इस रोड पे मैं साइड फर्स्ट टाइम आई हूँ और यहाँ पर मैंने देखे हैं कि जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं और बच्चों के और बड़ों के इतने प्यारे ड्रेसेस जो है ना, वो लॉन के ड्रेसेस जो है वो 1500-1500 रुपये के और 1000-1000 रुपये के ना 3-piece सूट भी हैं और 2-piece सूट भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे छोटे नंबर के साइज़ के ना बच्चों के ड्रेसेस मिल ही नहीं रहे थे कि घर में पहनने के लिए लॉन की शलवार कमीज़ वगैरह ना मैं ले लूँ उसके लिए। यहाँ मुझे ना 28 नंबर 26 नंबर भी इजीली मिल गया और बच्चों के मैंने जब चेक किए तो यहाँ पे ना छोटे से नंबर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ढेर सारे बरमार हैं इनके पास प्रिंट्स के, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, किसी में तो ऐसे ड्रेसेस हैं जिसमें लेसेस वगैरह भी लगी हुई हैं, ठीक है, और बड़ों के भी हैं। और ना सिर्फ लॉन के बल्कि अगर आपने टॉप्स लेनी है अपनी जॉर्जेट की, वो भी लगी हुई है लॉन या कॉटन की, वो भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बच्चियों की फ़्रॉक्स वगैरह भी हैं, मैक्सी फ्रॉक है, बड़ों की भी और बच्चियों की भी। अच्छा, मैं शॉपिंग वगैरह में आगे पीछे के गई थी तो मुझे ना बड़ों की इस तरह की ना फ्रॉक्स मिल रही थी, जॉर्जेट की और मैक्सी वगैरह मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो मैंने देखी कि यहाँ पे ना आपको छोटे साइज़ की भी ना आपको इजीली अवेलेबल होगी, जैसे 7-8 साल की बच्ची के लिए, 9-10 साल की बच्ची के लिए भी नहीं, यहाँ पे आपको मैक्सी जॉर्जेट की और जो फ्रॉक होती है वो आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ और ये जो है ना ये 1500-1500 के, 1000-1000 रुपये के सारे लगे हुए हैं। और एक मतलब आप एक जगह स्टॉल पे देखें, दूसरी जगह दूसरा स्टॉल लगा हुआ है। और ख़ास तौर पे अगर आपको लेना है अपनी मर्ज़ी का ड्रेस तो आप जितने मर्ज़ी प्राइस का, 350 का लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा, या 450 का लेना है वो भी मिल जाएगा। और इस बार यहाँ पर नया क्या आया है, ये आई है जीन्स की बेल बॉटम पैंट्स। ये मार्केट में, कमर्शियल मार्केट में ये नहीं आई है और ये मुझे इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत लगी, रेड कलर में, वाइट कलर में, ब्लैक कलर में, बटरफ्लाइज बनी है, फ्लावर्स बने हैं, तो ये सबसे अच्छी ना और अच्छी चीज़ है। और ये आपको मैं बताऊँ कि 28 नंबर से लेकर 26 नंबर भी आपको बेल बॉटम पैंट्स का मिल जाएगा, खुली खुली हैं, गर्मियों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर इतना रश लगा हुआ था, लोग ईद की शॉपिंग करने आए हुए थे, जगह जगह आपको यहाँ पे स्टॉल नज़र आ जाएंगे। शॉप्स का नाम भी, एक मैंने शॉप पे विज़िट किया उसका नाम भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी, लेकिन ये देखें ये सारे जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, लॉन के ड्रेसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, छोटों के भी और बड़े बच्चों के लिए भी, और फ्रॉक्स भी लगी हुई हैं और लॉन की, और जो है ना हर चीज़ मतलब, और छोटी शर्ट्स वगैरह भी। तो और स्लीपर्स ये मैंने बच्चों के घर में पहनने के लिए, ये मैं बता दूँ ये जो रबड़ के स्लीपर्स हैं ये आपको 500-500 रुपये के मिल जाएंगे। इस वाली शॉप में गई थी तो मुझे ये 650 कह रहे थे, तो मैंने आगे जाके मैंने थोड़ी सी बारगेनिंग की तो मुझे 500 में स्लीपर्स जो है वो मिल गई थी। और इन्होंने मुझे कहा कि आप ऊपर जाएं, ऊपर आपको ना प्लास्टिक की, बड़ों की, छोटे की, और वैसे घर में पहनने के लिए भी और फैंसी भी, आपको ऊपर शॉप जो है वो बहुत बड़ी है, वहाँ जाके विज़िट करें। तो मैं ये ऊपर आई हूँ ना, तो यहाँ पर इस शॉप का नाम है बाबा जी शूज़, कमर्शियल मार्केट में है ये। तो यहाँ पर आपको खूसे वगैरह भी और ये जो आपको प्लास्टिक के मोटे सोल की जो नज़र आ रही है ये 1700 की दे रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने जगह जगह ना ये लगाए हुए। तो और ढेर सारी मतलब, मुझे लग रहा था ये सिर्फ शॉप्स जो है ना वो सैंडल वगैरह की, जूतों वगैरह की हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बड़ों की भी लगाई हुई थी। लेकिन मैं बताऊँ यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा शॉप पूरा घूमी हूँ तो मुझे साइड पे पर्स की जो है वो दुकान नज़र आई है ना, तो मैंने देखी तो इनके पास इतने प्यारे ये कस्टमाइज जो पर्स हैं मोतियों के बने हुए, ये 1200 इसकी प्राइस बता रहे थे कि 1200 है। और इनके पास ये 3-piece 4-piece पड़े हुए थे, एक पिस्ता ग्रीन कलर में पड़ा हुआ था, एक मल्टी शेड में पड़ा हुआ था, और एक और ये जो है वो दिखाने वाला है, ये देखें बहुत साइज़ है इनका, आपको वीडियो में पता लग रहा होगा ये कैसा है। तो इनके पास जो है ना, क्योंकि पर्स बहुत अच्छे थे और प्राइस भी मुनासिब थी, तो मैंने कहा कि मैं इनके ना आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। हालाँकि ये बाबा जी शूज़ शॉप है, लेकिन ऊपर जब आप आएँगे तो शूज़ के साथ साथ इनका एक पोर्शन बना हुआ है जहाँ पर्स लगे हुए हैं। पर्स की जो है वो मैं प्राइस आपको बताऊँ, स्टार्टिंग है 1400 से, उसके बाद ऑनवर्ड आपको 2500 का भी और 2400 का भी मिल जाएगा। ये वाले जो पर्स है जो आपको ग्रे, ब्लैक और मस्टर्ड कलर में लग रहे हैं तो वो 2590 का दे रहे हैं,
और ये कहते हैं 10% में आपको, अगर मैंने उनसे कहा ना कि अगर कुछ थोड़ा डिस्काउंट करें तो कहते 10% आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ये 2450 के जो ये पर्स है ये लगे हुए हैं, इसमें भी इनके पास जो है वो ये मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन इसका मुख्तलिफ है और बहुत क्यूट सा लिटल सा दिखे, और रेड में बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक में भी बहुत अच्छा लग रहा है और स्किन कलर में भी। तो ये छोटा सा पाउच है मगर इतना मतलब क्लासी और इतना क्यूट सा है, और ये आपको मिला 2450 का, ठीक है। और फिर से बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डिस्काउंट मांगेंगे तो ये 10% डिस्काउंट आपको दे देंगे। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो बैग्स आपको दिखा रही हूँ, ये वाला देखिए ग्रे वाला 1990 का लगा हुआ है, ये वाले जो बैग्स हैं 1400 रुपए के, ठीक है, 1440 के या 1450 के, इस तरह के से इन्होंने। अच्छा यहाँ पे ना आपको अलग अलग से पूछना ही पड़ता कि इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, इन्होंने थोड़े टैग्स लगाए हुए हैं, ठीक है। और इनके पास टोट बैग भी थे, वो भी मैं आगे चल आपको आपके दिखाऊँगी। तो ये सब इनके पास जो है वो वैरायटी थी, बल्कि ऊपर जो थोड़े से बैग्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा ज़रा एक मुझे इसकी क्वालिटी चेक कराए, उसके अंदर जो है पॉकेट वगैरह है भी, कितनी पॉकेट्स हैं या बिल्कुल है, तो ये इन्होंने मुझे ओपन करके दिखाया। तो इसके साथ इन्होंने ये स्ट्रिप भी दी हुई है, अगर लॉन्ग लेना है वो ले लें, हैंड बैग बनाना है वो भी आप बना सकते हैं ईजिली, और इसके अंदर कोई जिप नहीं थी, मगर अंदर जो है वो काफ़ी खुली जगह है, आप अपना मोबाइल वगैरह और छोटा सा जो है वो कुछ चीज़ें रख सकते हैं, अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये 1450 के दे रहे थे बैग्स, इसमें ये थोड़ा फैंसी में आ जाता है और इजीली, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर भी है, पिस्ता कलर भी है और मस्तस कलर भी है। साइड पे इनके जो हैं वो थोड़े से फैंसी जो है वो रखे हुए थे बैग्स ब्राइडल के लिए, और इसकी इनकी थोड़ी जो ना प्राइस थोड़ी हाई थी, जो नीचे वाले थे गोल्डन कलर के वो तो इतने ज़्यादा खास नहीं लग रहे थे, लेकिन जो एकदम से आंखों अट्रैक कर रहे थे देखिए 12,750 का ये वाला ना, ये हैवी भी बहुत था काफ़ी और देखने में भी बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था, ठीक है। इसके साथ जो है वो 6,990 का भी पड़ा हुआ है, ये वाला बैग चेक करें, इनकी फिनिशिंग और काम वगैरह आप चेक करें। ये देखिए 6,990 का ये वाला ग्रे कलर का बैग मिल रहा है, ये वाला भी 4,000, और ये देखिए 4,790 का ये गोल्डन कलर का आपको यहाँ पर बैग मिल जाएगा। तो ये बाबा जी शू शॉप है, और यहाँ पर इनके पास जो है वो बैग्स की भी कलेक्शन है, कॉर्नर पे जाके यहाँ पे इनके आपको सारे बैग्स वगैरह मिल जाएंगे। आपने जिस भी टाइप का बैग लेना है, कोई भी आपको पसंद आए, तो आप यहाँ आए तो आपको इतने मतलब 1450 से स्टार्ट हो रही है इनकी प्राइस, और जो है उसके बाद ऐसा 6,000 का भी है, 5,000 का भी है, 4,000 का भी है, और ये सारे बैग जो है इनके पास अच्छी खासी बैग्स की वैरायटी है, तो यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। ये चेक करें ब्लू वाला बैग, ये जो है वो कहते हैं 2,000 का है, ठीक है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं बाहर निकली हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने टोट बैग जो है वो लगाए हुए थे ब्रांड वगैरह के भी, तो उसकी भी जो प्राइस है वो कह रहे थे 24 है, 10% ऑफ करेंगे, तो आपको 2200 के भी यहाँ से मिल जाएंगे। तो बस अभी इसी शॉप में थी मैं, इसको थोड़ा विज़िट कर रही हूँ, मैंने कहा इनके पास बैग जो है वो कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, एक एक बैग जो है ना, ये वाला 1400 का देखें, ये बैग आपको जो है वो 1400 का आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये वाला चेक करें, और अब आते हैं इस टोट बैग की तरफ, यहाँ पे इनके पास ये ग्रे कलर में है, पिंक कलर में है, और ये जो है इनके पास सारी बैग की कलेक्शन है। हम यहाँ पे असल में आए थे, मैंने कहा कि ऊपर से स्लीपर्स वगैरह लेंगे, लेकिन जो है वो अचानक से हमारी इधर भी नज़र पड़ी, तो इनके पास आगे स्कूल बैग्स वगैरह भी थे, और इस तरीके से ये सारे शॉपिंग बैग्स जो हैं, ये वाले पर्स वगैरह बहुत अच्छे पड़े हुए थे, तो फिर हम लोगों ने इसका भी विज़िट किया और आपके लिए वीडियो बनाई। और ये देखें ये सारा है बैग्स की क्वालिटी, मैं बता दूं जितना देखने में बैग अच्छे लग रहे हैं ना, उतना वैसे है भी, मतलब क्वालिटी वाइज ना, क्योंकि आप जब किसी भी शॉप पर इतनी ज़्यादा आपने विज़िट किया होता है, आपको पता लग जाता है कि वो देखने में, दूर से देखने में कुछ चीज़ें होती हैं अच्छी लग रही होती है, करीब जाते हैं तो उनका स्टफ़ वगैरह, उनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं होती, मगर इनकी नो डाउट इनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी थी। ये बाबा शूज़ जेंट्स है ये शॉप है, और इसके बाहर स्लीपर्स वगैरह पड़ी थी, जिसके हम स्लीपर के चक्कर में हम अंदर गए थे, और हमने अंदर भी सर्च किया था कि क्या कैसी कैसी इनके पास स्लीपर्स हैं, तो हम बैग सर्च करने बैठ थे। बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम आगे बढ़े हैं, और यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है बच्चों के ड्रेसेस का, बॉयज़ के लिए 4,400 के जो है वो ड्रेसेस हैं, टी शर्ट और आज के साथ आपको पजामा मिल रहा है, ठीक है, और स्पाइडरमैन में, मिकी माउस में डॉल्फिन बनी है 400 की। यहाँ पे मैं कह रही हूँ ना, ये कमर्शियल मार्केट ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको
अपनी मर्जी की प्राइस में, आपको जिस मर्जी की प्राइस में चाहिए। 350 का भी ड्रेस आपको यहाँ मिल जाएगा, 400 का भी मिल जाएगा, महंगा लेना है वो तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी की जो है वो ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे इजीली, और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको वैरायटी है। और ये मैं इस साइड पे आई हूँ अलजन्नत माल के बिल्कुल साथ, जो साथ वाली रोड है उस साइड पे मैं आई हूँ। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं जूतियों के, कपड़ों के और खूसों वगैरह के भी। ये अब एक अंदर गली में मैं घुसी हूँ, तो यहाँ पर मैं इशाल के लिए खूसे वगैरह जो है चेक कर रही थी गोल्डन कलर के, उसके नाप के लिए मिले थे, मगर ये जो खूसे हैं ना ये 500 के जो हैं ये दे रहे थे, इनकी जो प्राइस है 500 थी। और इन्हीं गलियों के अंदर से जो मुझे बाबा शूज़ में जो मुझे सैंडल जो प्लास्टिक की जूतियाँ हैं ये मुझे 650 की मिली थी, इन्हीं गलियों के अंदर से मैंने वो 500 की ली थी। और यहाँ पे देखें अटैची केस है, और आपके बच्चों के स्कूल के बैग्स हैं, दुपट्टा है। और फिर हम दोबारा आए हैं इशाल के ईद का ड्रेस जो है वो सिलेक्ट करने, तो ये जो है वो 2000 का, और जो दूसरा वाला है वो 2500 का। ये हमें 3-piece सूट पूरा दे रहे हैं, मैरून कलर का भी है, अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, कपड़े का स्टफ भी बहुत अच्छा है। इस शॉप पे मैं आया है तो मैंने उनको कहती कि मुझे लॉन कॉटन ही दिखाएं, लेकिन जो है वो थोड़ा फैंसी हो, तो वो कह रहे थे कि अच्छा फैंसी और मोतियों का काम भी हुआ तो ये वाला देख ले, मगर जो साथ वाला ये ग्रे वाला था ना ये लॉन में कॉटन में नहीं था, इसका स्टफ जो है वो गर्मियों वाला नहीं था, तो फिर ये मैंने नहीं लिया। मगर ये जो मैरून वाला दिखा रहे थे और ब्लू में जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई भी है ये 2000 का दे रहे थे, और इसका स्टॉक जो है वो भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा इनकी शॉप पे जो है वो आपको बच्चियों के कुर्ते जो हैं वो ना वो भी मिलेंगे, 2-piece सूट, 3-piece सूट वो भी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगे। फिर इन्होंने मुझे फ़्रॉक भी दिखाई, अगर कि आपने समर के लिहाज से लेनी है फ़्रॉक्स वगैरह तो भी वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, 1500 की और 1000 की भी। ये देखें ये लाइट कलर में वाइट कलर में इनको फ्रॉक है, बटरफ्लाई बनी हुई है, बहुत हल्की फुल्की, और नीचे भी बता रहे थे कपड़ा जो है वो बहुत हल्का फुल्का है, बच्चे को चुभेगा नहीं, ठीक है। तो इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी फ्रॉक्स वगैरह की भी, ड्रेसेस वगैरह की, 3-piece ड्रेसेस भी थे बच्चों के लॉन के, और जो है इनके पास वो फैंसी ड्रेसेस भी थे शरारा और गरारा में। अगर आपने शादी के ड्रेसेस भी लेने हैं तो वो भी आप यहाँ से बाय कर सकती हैं, मगर ये है कि अभी ईद के लिए लेना था और गर्मी है तो ज़्यादा हम लोगों ने फैंसी नहीं भी लेने थे। ये दिखा रहे थे इन्होंने कहा ये लॉन में है आपको, मगर ये फुल एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है, ये आपको 2500 का मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है वो साइज़ आपको ये देखिए कितनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसमें गला भी बहुत अच्छा है। बस ये हम बाहर आ गए हैं, और ये मुझे बहुत पसंद आई थी बच्चियों की बेल बॉटम पैंट्स, और बड़ों की भी है, आपने जिस भी साइज़ का लेनी है आपको यहाँ मिल जाएगा, और ब्लू कलर में, ब्लैक कलर में। तो इसके साथ कोई भी टॉप पहन लें आप, या बच्चियों को पहनानी है तो उनके साथ कोई अच्छी सी शर्ट ले लें, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और इनकी मैं प्राइस बता दूँ, ये आपको जो है वो 1000 की और 1200 की जो है वो मिल जाएंगी, डिफरेंट रेट चल रहे हैं, मगर 1200 1100 की आपको मिल जाएंगी। इनके पास निक्कर भी थे, 200 कह रहे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि 100 लगाएं तो मैं 2-3 ले लेती हूँ, तो ये कह रहे थे नहीं आप 150 का ले लें आप एक ट्राउज़र। तो अच्छी क्वालिटी थी इन ट्राउज़र की भी, क्योंकि और इसके पास डिफरेंट मतलब वाइट कलर में ये यहाँ पे लगा हुआ है थे इनके पास डिफरेंट। तो जी उम्मीद करती हूँ मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको ये पसंद आया होगा, वीडियो का मेरी पसंद आया तो चैनल को आपने मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। और अगर आपको कोई एड्रेस वगैरह नहीं समझ आ रहा, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कमर्शियल मार्केट में अलजन्नत मॉल के बिल्कुल साथ एक जो है मार्केट पूरा बाज़ार है उसी ये बार की बस उसी बाज़ार का मैंने विज़िट किया है। तो फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगी। किसी चीज़ की प्राइस वगैरह पूछनी हो तो मुझे बताइएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।